दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मानी स्किन केयर नगरोटा बगवा। वर्मानी स्किन केयर में लेजर मशीन द्वारा अनचाहे बालों से छुटकारा, हाइड्रा फेशियल मशीन एवं पीआरपी उपलब्ध है। इसके अलावा फुलबेरी के दाग, सोराइसिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, झड़ते बाल, मुहांसों का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। फुली इक्विप्ड लेजर सेंटर, फ्रैक्शनल CO2 लेजर अल्ट्रा पल्स, जिससे मुहांसों के दाग, चिकन पॉक्स के दाग, चोट के दाग, सर्जरी के बाद के दाग का इलाज भी किया जाता है। वर्मानी स्किन केयर की सुविधा अब पालमपुर में भी उपलब्ध है। अपर बेसमेंट पालमपुर सिटी मॉल, हर वीरवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। हिमाचल कांग्रेस में पीसीसी के अध्यक्ष पद की तब्दीली क्या हो गई? आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के सर्द गलियारे पूर्व CM वीरभद्र सिंह की हमीरपुर में की गई बयानबाजी के बाद गरमाए हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटियां इस बयानबाजी के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। मंगलवार को हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता कर सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस का कर्मठ एवं कामयाब अध्यक्ष बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर में आकर जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है वह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। जिला कांग्रेस कमेटी इस बारे विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को सौंपेगी। नरेश ठाकुर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं होता। वीरभद्र सिंह के शब्दों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। हम जो पूर्व मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह जी, उनका मान सम्मान करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, परंतु इस तरह से टीका टिप्पणी करना और संगठन के ऊपर संगठन के कार्यकर्ताओं को वार कहना एक गलत और असूखी है। और इन सभी बातों को लेकर जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं माननीय हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी और हिमाचल की जो प्रभारी श्री रजनी पाटिल जी, इन सभी बातों को उनके समक्ष रखी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी एक का कुनबा नहीं बल्कि विचारधारा से चलने वाला संगठन है और विचारधारा से ही संगठन को चलाया जाता है। ये किसी व्यक्ति विशेष से कांग्रेस पार्टी नहीं चलती है, ये सामूहिक प्रयासों से कांग्रेस पार्टी चलती है। और ये जितनी भी हमीरपुर जिला में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, इसकी शिकायत जो हाईकमान से की जा रही है। हमीरपुर जिला में पहली बार 36 वर्षों के कार्यकाल में जिस तरह से हम लोग हमीरपुर जिला में 3 सीटें जीते हैं, इससे ही पता चलता है कि हमीरपुर जिला के अंदर कांग्रेस संगठन जो किस मजबूती के साथ काम कर रहा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो चीफ नीलकांत भारद्वाज की रिपोर्ट।